तारकेश्वर महादेव को महादेव मात्रे भ्रमण को सिलसिला में हमी हाइकिंग होते दुबारा जाने हाइकिंग और इस समझे कार में छो अब पैदल और इस समझे कार में छो यो ठाउं समझे हमी हाइकिंग अब विस्तारे अब यहाँ बड़ा अब कहाँ समझ गाड़ी जाने बढ़ दे अब फॉलो मी देश पहुँचे देश पहुँचे एक आरण लम्बा बिस्तारे चलो ना ला बाटो इस्तोसा अलग दी रामुसन जाम आई था लम्बा सर बिस्तारे अबे बाटो हमें यात्रा और गाड़ी बहुत सा यहाँ से मुझे आइए ठाउं ठाउं में बाटो वाले ऑफिसर रूम में से अब यहाँ पर इस्तोसा बाटो बस तो उनसे ये तो लागू है बोशो सन्यासी साइट को ऐतिहासिक टूर मुख्य पांच महीने से मानी से यही था वो इंदर अच्छा हमी चक कई पांच महीने आई थी अब इस तारे अगर बस खास मानी थे अब ये समानी तारकेश्वर मंदिर जाने क्रम में अभी हमी पांच माने में बसर चिया खाद मधुसूदन जी चिया को चुस्की लिंदै चिया गजब मिठो है एकदम मिठो चिया कसले बनाएर ल्याएको चिया एकदम मिठो एकदम असाध्यै मिठो चिया कति मिठो चिया एकदम मिठो चिया स्वागत है मजा कर शुभ यात्रा मजा घूम आला हजर हस्त लगे तारकेश्वर भ्यू पॉइंट आइपुग्यो लाइट अपोजिट लाइट हुन्छ अहिले पनि हामी तारकेश्वर
आइपुगेका छौँ र उहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ सबैजना। यस्तो बाटो हुँदै अझै जानु बाँकी नै छ। अब गन्तव्य पनि आइपुग्यो जस्तो लाग्यो, थाक्नु भयो गाह्रो भयो, बिस्तारै बिस्तारै काली बाबाको समाधि स्थल मसो हामी पुग्यो हो त गन्तव्य हाम्रो यहाँमाथि हामी तारकेश्वर परिसरको गेटबाट हामी बाहिर निस्किँदैछौँ। हाम्रो यात्रा बालाजुबाट सुरु भएको हो।
बालाजु विशेषता हामी विशेष अधिकांश हामी बालाजु ध्यान केन्द्र ओशो ध्यान केन्द्रका ओशो सन्यासीहरू नै अधिकांश छौँ यहाँ है मालाधारी त्यस कारणले गर्दा हामी बिस्तारै यो तारकेश्वर परिसरबाट बाहिरिँदैछौँ अब हाम्रो जङ्गल पदयात्रा हुन्छ यो ब्याक हाम्रो भ्रमण अब करिब करिब सकियो अब चाहिँ फर्किने क्रममा मध्य भयो फर्किने क्रममा अब बिस्तारै ब्रेकफास्ट सकेर आइयो अब लन्च गरेर बिस्तारै हामी अगाडि घरतिर प्रस्थान गर्नेछौँ अनि तारकेश्वर मन्दिर गएर अब यहाँ चाहिँ यसो खाजा खाने व्यवस्था खाना के कस्तो छ कुनै एकदम मिठो स्वादिलो छ र साह्रै मजा आइरहेको छ धन्यवाद पछि मैले थाहा पाएँ त्यो छोरीले राम्रो खाने के भने पिएको जति सबै अचार